बिग बॉस से इविट हो चुके हैं आप, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरीके से लाइफ में चेंजेस आई हैं। घर से आने के बाद में काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आया है। मैं मेरे अंदर पेशेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। okay. और उसके अलावा लड़ाई झगड़ा करना सीख गया हूँ लाइफ में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, हर बात पे चिल्ला या है हर बात पे चिल्लाना सीख गया हूँ। चाय की पत्ती का हिसाब रखना सीख गया हूँ। आटा बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता है मेरे घर में। घर में भी आप यही कर रहे हैं, बिग बॉस के इससे अभी तक बाहर नहीं आ पाए। एग्जैक्टली बाहर ही नहीं आ पाए, एक्चुअली यही आदत पड़ी हुई है। ओके सर, इसके अलावा यू नो बताइए, अब तो आप बाहर बैठ के गेम देख रहे हैं, या कितना चेंज लग रहा है आपको गेम मुकाबले इसके कि जब आप घर के अंदर थे और बाहर है तो? गेम तो सेम ही है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि लोग शांत हो गए हैं अभी अभी, काफ़ी ज़्यादा शांति चल रही है घर के अंदर। और सिद्धार्थ सना का जो है लव स्टोरी दिख रही है, उसके अलावा एवरीथिंग इज सेम ओनली, बस लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो चुके हैं। ओके, लेकिन वो अरहान जब आप अंदर थे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सबको, अब बाहर आ गए हैं तो कुछ क्लियर करने की कोशिश की आपने? देखिए, जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो क्लियर करने का सवाल ही नहीं उठता। और जैसा कि सब बोल चुके हैं, अंदर भी काफ़ी बार हो चुका है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सो आई थिंक आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई एनीथिंग नाउ। लेकिन यू नो देयर हैज बीन लॉट ऑफ बज अबाउट यू नो योर, आई डोंट नो इज शी योर गर्लफ्रेंड, इज शी नॉट अमृता? देखिए, ये नाम जब से मैं बिग बॉस के घर में गया हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ, और इसको मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी जो है वो मीडिया वालों ने बनाया, और मैं शुरू से डिनाई करता हुआ आया हूँ कि मैं इस लड़की को जानता नहीं हूँ। और हर बार जब भी छापा गया अरहान खान एक्स गर्लफ्रेंड, अरहान खान एक्स गर्लफ्रेंड, तो मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से आपने एक्स गर्लफ्रेंड करके इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है, जबकि मैं हर बार बोल चुका हूँ कि मैं इस लड़की को जानता ही नहीं हूँ, मैं इस लड़की से कभी मिला ही नहीं हूँ। आज मैं अगर किसी के लिए उठ के बोल दूँ कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो उसके लिए आप छाप देंगे क्या? मतलब पब्लिसिटी के लिए कोई भी इंसान आके कुछ भी करता है और उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है। जिस लड़की को कोई जानता नहीं था, उसने बोला अरहान की एक्स गर्लफ्रेंड है, और वो छापा गया और उसको बहुत ज़्यादा फेम दे दी गई। सो मुझे लगता है ये गलत है। जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं हो, कोई पिक्चर हो मेरे साथ उस लड़की की, तो समझ में आता है कि ठीक है मैंने उसको डेट किया है, लेकिन कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे पास एविडेंस है और कहाँ है, आपने देखे? मैं भी शुरू से यही सुन रहा हूँ, एविडेंस है, एविडेंस है, कौन से एविडेंस है, कहाँ है एविडेंस? अगर इंसान के पास एविडेंस होता है तो सबसे पहले दिन वो एविडेंस आते हैं कि भाई मैंने अरहान को डेट किया है। और बिग बॉस का जो शो है वो इट्स एशियाज बिगेस्ट रियलिटी शो, सो जब भी ये शो होता है किसी ना किसी तरीके की कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं, इस बार मेरे साथ आई हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रूव ही नहीं हो पाई, कोई प्रूव नहीं कर पाया, मीडिया ने उसे हाइप कर दिया, और बाकी का आगे का जो भी है वो सारी सच्चाई आप लोगों के सामने। मैं क्यों मिलूंगा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है मिलने के लिए, और जिस उस इंसान को मैं जानता ही नहीं हूँ, ना मेरा उसके साथ में कोई काम है, तो फिर मैं मिलूंगा क्यों? कोई भी इंसान कल को खड़ा होकर बोल सकता है, आज मैं खड़ा होकर बोलूँ कि मैं मैडोना को डेट कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैं मैडोना को डेट कर रहा हूँ। कोई इंसान किसी का भी नाम ले सकता है। सलमान खान सर, जब आप घर में थे उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया रश्मि के सामने, आपने बाहर आने के बाद में उनसे मिलकर कुछ बातचीत करनी चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल सलमान भाई से अभी तक मिला नहीं हूँ, और उनसे क्या खुलासा, मुझे कुछ खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। और लेकिन जो भी था, उन्होंने कहा था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीज़ें हुई हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, और आई डोंट नो बाहर दिखाई गई है कि नहीं दिखाई गई है ये सब चीज़ें, लेकिन आप किसी भी हाउसमेट से पूछेंगे तो सबने यही कहा था कि इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि हो जाती है लाइफ के अंदर, सो नो रिग्रेट्स। लेकिन ना बाहर भी जब आप घर के अंदर थे तो बाहर भी लोग, बहुत सारे लोगों ने यही कहा है कि अरहान इज नॉट गुड फॉर रश्मि, जस्ट कैसे बोलते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि लोगों ने ये बात क्यों कही है, शायद मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ, वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, उन लोगों ने जो पढ़ा जो देखा उस हिसाब से उन्होंने अपने ओपिनियन दे दिए, लेकिन आई एम श्योर अगर वो मुझे जानते होते या मुझसे मिले होते तो कभी कोई ये सब बातें नहीं बोलता। एक अभी अफवाह ये भी आ रही है कि आप अरेस्ट हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये सब पढ़ने के बाद ना मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं यहीं हूँ
और आपके सामने हूँ, और अरेस्ट होने का मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं, तो अरेस्ट होने का तो सवाल ही नहीं होता। क्या यही वजह थी आज के इस इंटरव्यूज को? नहीं, आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे, आप लोग मुझसे बात करना चाहते थे, जो कि मैं नहीं कर पाया। सो आई थॉट कि मुझे मीडिया से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, सो इसलिए आई एम सिटिंग। You know, जब तक आप घर के अंदर थे तब तक लोगों का कहना था कि रश्मि अरहान के सहारे गेम खेल रही हैं। अब जब आप घर के बाहर आ गए हैं, क्या लगता है रश्मि कैसे खेल रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि रश्मि बहुत अच्छे तरीके से गेम खेल रही हैं, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रश्मि को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ उनका साथ दिया है, और अगर मेरी वजह से उनकी गेम थोड़ी सी और निखर के आई हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक शी इज प्लेइंग अ ब्रिलियंट गेम। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यू नो जो चीजें अंदर हुई उसके बाद में आपके और रश्मि के रिश्ते में कहीं फर्क आया? आपने देखा ऐसा कुछ टीवी पे? नहीं हुआ जी, तो फिर नहीं आया। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि क्लियर हो चुकी थी, और रिश्ता वैसा ही है जैसा था। जब आप लोगों का खुलासा हुआ तो लोगों का कहना ये भी था कि रश्मि का इस तरह से रिएक्ट नहीं करना, कुछ रिएक्ट नहीं करना, ये दर्शाता है कि आप दोनों गेम खेल रहे थे। देखिए, ये पर्सनल क्वेश्चन ना, मैं इसके आई थिंक काफी जवाब दे चुका हूँ, इस बारे में अगर बात ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो बताइए, आप बाहर से देख कर किसका असली रंग सामने आ रहा है? आई थिंक सबके असली रंग सामने हैं, जो जैसी पर्सनालिटी है वो वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि आप जो आप नहीं हैं वो आप कब तक प्रिटेंड करेंगे? और ऑलमोस्ट शो को 3 महीने हो चुके हैं, और जिसकी जैसी पर्सनालिटी है वो सब वैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन ये ना बाहर से देखने में कोई ऐसा डिफरेंट लग रहा है जो घर के अंदर कुछ अलग था और बाहर से आप जब देख रहे हैं तो अलग लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, जो मतलब अंदर जो नहीं कर रहे और वो बाहर दिख रहा है, जो वो अंदर कर रहे हैं वही दिख रहा है, जो चीजें अंदर हो रही हैं वही दिख रहा है। नेचर वाइज, सबका नेचर वही है जैसा दिख रहा है, जो जैसे हैं वैसे ही दिख रहा है। कोई अगर अग्रेसिव है, कोई अगर साइकोपैथ है तो वो साइको ही दिख रहा है, कोई अगर अच्छा है तो वो अच्छा ही दिख रहा है। तो जो जैसा है, लोगों के रियल कैरेक्टर जो है वो सब सामने दिख रहे हैं। You know, आसिम ने भी अब सिद्धार्थ से माफी मांग ली है, एंड उसके साथ में वो अब यू नो रेडी है कि मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं वो चाहते हैं अब कि जो भी उनके बीच की दरार थी वो खत्म हो जाए। और कितना आपको लगता है कि आसिम रश्मि का साथ देंगे, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, फर्स्टली आसिम इज अ वेरी नाइस गाय, इज अ गुड फ्रेंड, और बहुत अच्छा लड़का है वो। और अगर वो और रश्मि साथ में खड़े हैं तो दोस्ती है, जो कि हम लोग 3 लोगों के बीच में दोस्ती थी। हम लोगों को जो त्रिमूर्ति कहा जाता था, हमारी 3 दोस्ती थी। अब मैं बाहर आ चुका हूँ तो रश्मि और आसिम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दूसरी चीज़, सिद्धार्थ शुक्ला को उन्होंने सॉरी बोला, इट्स ओके यार, इंसान कभी कुछ बोल देता है या गुस्से में कुछ निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि बात को सॉरी बोल के ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि सॉरी बोलने से ना कोई इंसान छोटा होता है ना बड़ा होता है। अगर सॉरी बोल दी, चीज़ें ख़त्म हो गई, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, और होना चाहिए ऐसे। अभी फिलहाल में शहनाज ने भी गुस्से में हाथ उठा दिया था। आपको क्या लगता है कि घर में जो सिचुएशन है और सिद्धार्थ लोगों को उस तरीके से यू नो फोर्स करते हैं करने के लिए? शहनाज और सिद्धार्थ की देखिए दोस्ती है, अगर शहनाज ने हाथ उठाया, वो एक मजाक मस्ती का मूवमेंट चल रहा था, उसके अंदर उसने हाथ उठा दिया, आई थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग। रश्मि ने मुझे 10 बार मारा है, खैर, सो आई थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग, होता है। अगर आप कपल्स के बीच में ये सब चीज़ें होना क्वाइट नॉर्मल। लेकिन यू नो इस बार इस सीजन में बहुत ही सारी हाथापाई वगैरह हमने देखी है सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से, ऐसा लगता है कि शो बहुत ही ज्यादा बायस्ड चल रहा है? देखिए, बायस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक मैं भी ये सुन रहा हूँ और मैंने देखा भी है कि सीज़न 13 के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो पहले कभी किसी सीज़न के अंदर नहीं हुई हैं। और आई थिंक जितनी भी हाथ उठाने की चीज़ें की गई हैं सारी सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से की गई हैं। और मैं जब अंदर था और जब मैं बाहर आया तब भी मुझे एक ही चीज़ लगती है कि शायद उनको ये सब चीज़ें अलाउड हैं, उनको लोगों का शर्ट फाड़ना अलाउड है, उनको लोगों पे हाथ उठाना अलाउड है, वो उनको शायद परमिशन है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरा शर्ट उन्होंने फाड़ा था, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी कि मैं उनका शर्ट पकड़ के फाड़ सकता था, लेकिन उस दिन वीकेंड का वार था और मुझे ये लगा था कि बिग बॉस के अंदर शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी का शर्ट फाड़ा है, उस पर एक्शन लिया जाएगा।
और इनफैक्ट मुझसे काफ़ी घर वालों ने भी ये कहा था कि नहीं, इसका शर्ट दोबारा नहीं पहनना, क्योंकि अगर दोबारा पकड़ लिया तो हम गलत हो जाएंगे. लेकिन उस बात पे अनफॉर्चुनेटली कोई एक्शन नहीं लिया गया. सो इट्स ओके, ऐसा ही लगता है कि ये इट्स अ सिद्धार्थ शुक्ला शो. अच्छा, अब जब घर के बाहर निकल गए हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या आगे करने का इरादा है, क्या प्लान है इसके बारे में? देखिए, प्लान्स तो अभी ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि आई हैव माय ओन बिजनेस आल्सो, तो मेरा वो भी चल रहा है. और उसके अलावा आई एम डूइंग साउथ फिल्म्स, तेलुगु फिल्म्स आई एम डूइंग, जो मैंने ऑलरेडी पहले से साइन की हुई थी. सो आई वर्क मोर इन साउथ. उसके अलावा अभी तो बाहर आया हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम.